हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी विद हैप्पीनेस के इस नए वीडियो में। जैसे कि हमारी जीके की आपने देखा है, 7 सीरीज हो चुकी हैं और आज ये 8वीं सीरीज है। तो हमारे 190 तक क्वेश्चन हो चुके थे, आज हम 191 से लेंगे। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? यह है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपको क्या न्यूज होनी चाहिए? अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो होता है वो होता है हमारा ऑस्कर, ऑस्कर, ऑस्कर पुरस्कार। तो जब भी आप एग्जाम देने जाएं, तो जैसे मान लीजिए 2018 में आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो 2017 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस फिल्म को मिला है, किस एक्टर को मिला है और उस डायरेक्टर को, ये तीन चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। एक तो डायरेक्टर का नाम, फिल्म का नाम और एक्टर का नाम। उसी तरीके से ऑस्कर फिल्म, ऑस्कर फिल्म में जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे 2018 में जा रहे हैं, तो 2017 का आपको पता होना चाहिए किस मूवी के लिए मिला गया है, किस डायरेक्टर को मिला है और किस एक्टर को मिला है। ठीक है, ये दोनों अवार्ड के बारे में किसी ना किसी आपके एग्जाम में पूछे जरूर जाएंगे। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो वो है हमारा परमवीर चक्र। देखिए, ये ज्यादातर मुझे लग रहा है कि पीसी थोड़ा सा हैंग हो रहा है, अभी थोड़ा हैंग हुआ, अभी ठीक हो जाएगा। हाँ, तो हमारा जो क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए, वो है परमवीर चक्र। ये ज्यादातर दिखा है 80% मामले में ये मरणोपरांत ही मिलता है, क्योंकि ये वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये मान लीजिए कि जब आप युद्ध स्थल में जो है आप बहुत ही ज्यादा वीरता का प्रदर्शन करते हुए शहीद हो जाते हैं, उसी स्थिति में परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास। देखिए, कालिदास पे रिलेटेड बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो एक तो यही पूछ लिया जाएगा कि शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर है कालिदास। दूसरा है, कालिदास किस किस राजा के दरबार में थे? तो कालिदास जो थे वो आपके थे विक्रमादित्य के, विक्रमादित्य के दरबार में थे। और कालिदास से रिलेटेड जो इनकी रचनाएं हैं, रचनाएं भी अक्सर पूछी जाती हैं, तो रचना इनकी जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है उसका नाम है मेघदूत। और दूसरे नंबर की जो है उसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये आप याद रखें। और मेघदूत के बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको बताता हूँ। मेघदूत जो है वो एक तरीके से मेघ को दूत बनाया, यानी कि बादलों का दूत बनाया है, और ये अपनी प्रेमिका को बादल के माध्यम से जो है ये अपना संदेश भेज रहे थे, तो इसलिए इसका जो रचना है इसका नाम है मेघदूत। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, मतलब कंप्यूटर को किसने बनाया? वो है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको एग्जाम में। ये तो हो गया कंप्यूटर के पिता। आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस कौन से हैं, जैसे कि इनपुट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है आउटपुट डिवाइस पे, कि कंप्यूटर में कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं। आउटपुट में जैसे प्रिंटर हो गया, है ना, इनपुट के अंदर आपका कीबोर्ड आ जाएगा, माउस आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ सॉफ्टवेयर है और कौन सी हार्डवेयर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा जाएगा तो आपसे HTTP की फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी। जब भी कोई वेबसाइट हम स्टार्ट करते हैं तो उसके स्टार्टिंग में HTTP लगा जाता है, उसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। उसके अलावा WWW जब ये लगाया जाता है तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइल्ड वेव। तो इन दो की जो है फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसके अलावा अगर किसी तीसरे की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो उसका नाम है FTP, जिसे कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपसे। फिर है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? प्रथम व्यक्ति था यूरी गार्गिन, जो कि रूस के थे। ठीक है, देखिए, अंतरिक्ष जाने में नंबर वन रहा है रूस, मगर चांद पर उतरने में रहा है अमेरिका, क्योंकि जो नील आर्मस्ट्रांग थे वो अमेरिका के रहने वाले थे। तो चांद पर कदम रखने वाला
कौन है व्यक्ति, नील आर्मस्ट्रांग। चांद के बारे में एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि जो हमारे पृथ्वी पर जो ज्वारभाटा आते हैं, जो आप देखते होंगे तटीय क्षेत्रों में जो ज्वारभाटा आते हैं, वो चंद्रमा की वजह से आते हैं। जैसे चंद्रमा कुछ समय पर जो है चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है, कुछ समय बाद जो है दूर होता है, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है चांद के कारण, उसकी वजह से पृथ्वी पर ज्वार और भाटा आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? प्रथम भारतीय है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। एक क्वेश्चन अंतरिक्ष पे और पूछा जाता है कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, तो वो अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। फिर है प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताइए और इसे कब छोड़ा गया था? इसका नाम है आर्यभट्ट और छोड़ा गया था 1975। आर्यभट्ट के बारे में आप जानते होंगे, ये हमारे प्रसिद्ध गणितज्ञ के नाम पे है, गणितज्ञ मैथमेटिशियन थे ये हमारे देश के प्राचीन काल में, उनके नाम पर ही इनका नाम रखा गया आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन जो है वह है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेगा, अगर इस पे नहीं आएगा तो क्वेश्चन आएगा आपका WHO पे कुछ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर WHO पे नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन आएगा ILO पे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगर ILO पे नहीं आएगा तो विश्व बैंक पे आएगा, तो विश्व बैंक का भी आपको पता होना चाहिए। तो इन जितनों के भी महासचिव हैं ये आप जरूर याद रखें, ठीक है? WHO के महासचिव कौन हैं और खासकर इनके मुख्यालय कहाँ हैं, ठीक है? WHO का मुख्यालय कहाँ है, ILO का मुख्यालय कहाँ है, जैसे ILO का जिनेवा में है, WHO का भी जिनेवा में है, फिर है वर्ल्ड बैंक कहाँ है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। इस तरीके के क्वेश्चन वर्ल्ड बैंक के बाद एक इसी की बहन कहा जाता है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये UN का जो गठन किया गया था ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद किया गया था, जिससे कि भविष्य में कोई तृतीय विश्व युद्ध ना हो, तो इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसके बारे में जरूर पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। देखिए आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च ये तो हर बार रहता है, मगर हर साल क्या होता है इसकी थीम चेंज होती है, हर साल जो है इसकी थीम होती है, तो जिस साल आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसकी थीम जरूर पता हो, जैसे कि इस साल 2018 की क्या थी, तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आजकल जो है डे से ज़्यादा उसकी थीम पूछी जा रही है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, घेंगा रोग किस कमी से होता है, किसकी कमी से होता है? घेंगा आपको पता होगा गले का रोग है, जिसमें कि गले की ग्रंथियां जो हैं ये बड़ी हो जाती हैं और गला थोड़ा जो है उसका साइज बड़ा हो जाता है, ये होता है आयोडीन की कमी से। ये आयोडीन आपको पता होगा, आयोडीन वाला नमक भी आता है, तो उसकी वजह से आयोडीन का होता है आई, अगर सिम्बॉलिक इसका देखें तो आयोडीन का आई होता है। अगला है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? उसका आंसर है अग्नाशय। तो देखिए अगर बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन जो ज़्यादातर आएंगे वो आपको पाचन तंत्र से सबसे ज़्यादा आएंगे, पाचन तंत्र में कैसे पूछा जा सकता है? देखिए सबसे पहले ये है कि हमारे पेट के अंदर कौन सा अम्ल बनता है, तो अम्ल बनता है वो हमारे अंदर बनता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या है, जब भी हम कोई खाना खाते हैं और खाने के साथ जो अशुद्धियाँ आ जाती हैं, तो इन अशुद्धियों को में जो भी जीवाणु वगैरह खतरनाक होते हैं उन्हें ये HCl मार देता है। तो इस पे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा अम्ल बनता है, और अगर ये अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी जो है pH वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी कि 1 से लेकर 2 के बीच में होती है pH वैल्यू, यानी कि इसकी अम्लता बहुत ज़्यादा होती है, तो और अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा बन जाता है तब लोगों को एसिडिटी हो जाती है, ठीक है? तो इस पे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है डूरेंट कप। देखिए इस तरीके के जो भी कप हैं आप जो खासकर न्यूज़ में रहे हैं आप उन्हें जरूर पढ़ के जाएं, तो ये हो जाएगा डूरेंट का है फुटबॉल, ठीक है? अगला है हमारे भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? यह है हीराकुंड बांध। इससे रिलेटेड ये आता है कि ये किस नदी पर है, इसका आंसर है महानदी पर, ठीक है? ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ें, जैसे कि जो भी हमारे बड़े बड़े बांध हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे अभी हमारे कुछ ही महीने पहले मोदी जी ने
जो नए बांध का हमारा उद्घाटन किया है उसका नाम है सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? सरदार सरोवर बांध वो है हमारा दामोदर नदी पे, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद करें क्योंकि ये अभी न्यूज़ में था तो इस वाले क्वेश्चन के आने के ज़्यादा चांस हैं। अगला है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? यहाँ पर हैं 22 भाषाएं। देखिए सबसे पहले अनुसूची पे हमारी टोटल अनुसूची कितनी है? देखिए जब हमारा संविधान जब बना था तब उसके अंदर 8 अनुसूची थी, मगर अब अमेंडमेंट होते रहते हैं संविधान में समय समय पर, तो उसके बाद ही हो गई है 12 अनुसूची। तो इन अनुसूचियों को आप जरूर पढ़ के जाएं कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है और 12वीं में क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अनुसूची पे जरूर क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये जरूर पढ़ के जाएं। फिर है चीन की मुद्रा। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर कोई देख के गएगा कि भाई चीन की मुद्रा पूछिए, ऐसे हम कितने देशों की मुद्राएं याद करते फिर हैं। तो जो भी कंट्री भारत के साथ रिलेशन रखता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपको उससे रिलेटेड उसकी राजधानी, उसकी मुद्रा, उसका राष्ट्रपति, उसका प्रधानमंत्री, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो जैसे चीन की है वह है युआन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के जो संस्थापक हैं उनका नाम है हेनरी डुनांट, है ना। जिसे इस तरीके से रेड क्रॉस का पूछा गया उस तरीके से आपसे स्काउट का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। स्काउट के संस्थापक कौन है? उसके हैं बेंडेल पावर, ठीक है। तो बेंडेल पावेल नाम है उनका। अब अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया का मतलब होता है कि रक्त की कमी, ठीक है। शरीर में रक्त की अगर कमी हो जाती है तो उस रोग को कहा जाता है एनीमिया, जिसे कहा जाता है रक्त की अल्पता, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और रक्त से रिलेटेड ये भी आता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो वो है हमारे लैंड स्टीनर। इस वैज्ञानिक का नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और पूछा जाता है ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सभी तरीके के ब्लड को ले सकता है? तो वो है ए बी। और अगर कोई व्यक्ति जो सबको दे सकता है उसका नाम है ओ। तो ओ ग्रुप वाला सबको दे सकता है और ए बी ग्रुप वाला सबका ले सकता है, ठीक है। दोस्तों आज यहाँ तक ही, और फिर अगले वीडियो में जो हमारा 9th पार्ट आएगा उसमें हम इससे आगे क्वेश्चन लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि एक क्वेश्चन के साथ आपके कई क्वेश्चन तैयार हों, ठीक है। दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो है आपका जो रेस्पॉन्स है बहुत अच्छा है, मैं उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें और हमारे इसी जो हमारा प्रयास है इसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। धन्यवाद।